बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें हम लीस्ट कॉमन फैक्टर और हायर कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में, कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है। पेज नंबर पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पेज नंबर है 114। इस पर डेफिनेशन है सबसे पहले, LCM मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर और HCF हायर कॉमन फैक्टर। सबसे पहले डेफिनेशन है HCF की, मतलब हायर कॉमन फैक्टर। इसकी जो उनसे डेफिनेशन है वो क्या है, कहते हैं इफ टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर गिवन देन देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड हायर पावर इज कॉल्ड द HCF ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इस क्या कहते हैं, कहते हैं आपके पास कोई से भी दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, और उसमें से जो उनसे कॉमन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे आपके पास, हायर कॉमन फैक्टर। अगली डेफिनेशन है हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM की। अगली डेफिनेशन है LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन क्या होगी, वो कहता है इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ टू आर मोर एक्सप्रेशन इस कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा कि कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर हम लिखेंगे। HCF में क्या है, सिर्फ जो कॉमन फैक्टर होंगे वो लिखेंगे HCF में, और LCM में क्या होगा आपके पास कि जो कॉमन होंगे वो भी फैक्टर लिखेंगे और जो नॉन कॉमन होंगे वो भी हम लिखेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले पेज नंबर 115 पे है फाइंडिंग HCF। HCF को फाइंड करने के दो मेथड हैं, ये आपके पास MCQs भी बन सकते हैं। हाउ मैनी मेथड टू फाइंड द HCF, HCF को सोल्व करने कितने मेथड हैं, दो। पहला मेथड कौन सा है फैक्टराइजेशन का, और दूसरा मेथड आपके पास कौन सा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा। दूसरा मेथड है लॉन्ग बाय डिवीजन मेथड है, बाय डिवीजन। ये है HCF को सोल्व करने का मेथड है, टू सोल्व HCF मेथड। दो मेथड, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कौन सा है, बाय डिवीजन मेथड। आज हम करेंगे सबसे पहले फैक्टराइजेशन का। इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज है 6.1। इसका जो उनसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड HCF। HCF हमने फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट इसका 39, एक्स की 7, वाई की 3, जेड एंड 91, एक्स की 5, वाई की 6, जेड की 7। ये दो पॉलिनोमियल हैं, इसका हमने क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो किस तरीके से HCF फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम 39, एक्स की 7, वाई की 3 और जेड। अगर मैं 39 के फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 13। 3 को अगर मैं 13 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 39। एक्स कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। मैं एक्स को 7 टाइम्स लिख लेता हूँ एक्सपेंड करके, ये मैंने एक्स को 7 टाइम्स लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वाई कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स,
और जेड कितने टाइम से वन टाइम, ये दरमियान में जो डॉट का साइन इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब अगला कौन सा 91, 91 एक्स की 5, वाई की 6, जेड की 7। 91 को 7 मल्टीप्लाई 13, 7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 91। एक्स कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, y कितने टाइम्स है 6 टाइम्स, और z कितने टाइम्स है 7 टाइम्स। ये मैंने इसे एक्सपेंड करके लिख लिया। अब आप देख रहे हैं इसमें से क्या कॉमन कॉमन क्या आता है 13, और x कितने टाइम्स कॉमन आएंगे 5 टाइम्स कॉमन आएंगे, ये भी कॉमन आएगा x 1 2 3 4 और ये 5, और y कितने टाइम्स कॉमन आएंगे 3 टाइम्स y कॉमन, और z कितने टाइम्स आएंगे 1 टाइम्स। अब आप देख लें जो कॉमन होंगे वो आप लिख लें क्या क्या कॉमन है 13, x कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, y कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, और z कितने टाइम्स है 1 टाइम्स कॉमन है। तो ये आपके पास क्या होगा HCF। तो HCF की डेफिनेशन भी यही थी कि टू आर मोर देन पॉलिनोमियल, दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास पॉलिनोमियल हो तो उसमें से जो उनसे कॉमन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे आपके पास HCF। देख लें ये दो पॉलिनोमियल थे हमारे पास, इतने एक्सपेंड किया जो कॉमन थे वो क्या होगा आपके पास HCF है। तो ये आपका है पार्ट नंबर फर्स्ट। अब इसका जो उनसे सेकेंड पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे, उसमें तीन पॉलिनोमियल उसे एक्सपेंड करें जो कॉमन होगा वो आपके पास क्या होगा HCF होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि HCF को सोल्व करने का सेकंड मेथड है, ये HCF को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन। वो सिर्फ HCF की डेफिनेशन थी, जो हमने HCF की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्या थी कि जो कॉमन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे आपके पास HCF होंगे। अब इसका है फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज कैसे फाइंड HCF। HCF हमने फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से हमने क्या करना है HCF को फाइंड करना है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। सॉल्व करते हैं इसे, सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा हमने किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं 5.2 में, कि ये लास्ट में जो कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू है इसको एक्स के अगर जो कोफिशिएंट है इसके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है 6, एक्स के साथ जो सा कोफिशिएंट है इसके साथ क्या है 1, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 6, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 5, 3 टू द 6, 3 और 3 को 2 में प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए क्या आएगा 5 आएगा। फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, देख लें मल्टीप्लाई किया तो 6, प्लस करें तो क्या आता है 5, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2, बी कॉमन x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2। अब दूसरे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 12, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 4। अब फैक्टर से कौन सा बनता है 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, लेकिन अगर मैं इसमें प्लस करूं तो क्या आता है 7, माइनस करूं तो क्या आता है 1, लेकिन मुझे यहां क्या चाहिए 4 चाहिए, तो दूसरा चेक कर लें 6 पे 6 टू द 12,
सिक्स में से टू के बाकी कितना बचेगा आपके पास फोर, तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे सिक्स एक्स और टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा एक्स, एक्स माइनस सिक्स इसमें से क्या कॉमन आएगा टू, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। अब आप देख रहे हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जो पहले जो मैंने वैल्यू फैक्टराइज किया उसका फैक्टर कौन कौन से बने हैं एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू, दूसरे जो उनसे क्वेश्चन थी उसमें से मैंने उसको फैक्टराइज किया उसके जो उनसे फैक्टर बने वो कौन कौन से बने हैं एक्स माइनस सिक्स और एक्स प्लस टू। अब आप देख लें इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है एक्स प्लस टू, ये आपके पास क्या होगा एस सी एफ होगा, एस सी एफ क्या है आपके पास एक्स प्लस टू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट है पार्ट नंबर टू, सेकंड पार्ट एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन टू एक्स स्क्वायर माइनस एटीन। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन को, ये एक्स का क्यूब ट्वेंटी सेवन को इस तरह लिख लें थ्री का क्यूब, अगर थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ट्वेंटी सेवन। ये फार्मूला है आपके पास ए क्यूब माइनस बे क्यूब इसके इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला है ए माइनस बी, ए की जगह पे एक्स बी की जगह पे क्या है थ्री, ए माइनस बी ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी ए की जगह पे एक्स बी की जगह पे क्या है थ्री, थ्री एक्स और बी का स्क्वायर ये थ्री का स्क्वायर क्या आएगा नाइन का स्क्वायर आएगा। ये इसका फैक्टराइज हो गया एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन, अब एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन इसे फैक्टराइज करेंगे, ये इसका सेकंड पार्ट है जिसको फैक्टराइज किया हमने, ये एक्स क्यूब माइनस थ्री का क्यूब, थ्री को अगर थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी सेवन, ये फार्मूला ओपन किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो एक्स सेकेंड है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन, इस मल्टीप्लाई करें तो कहना चाहिए ट्वेंटी सेवन प्लस माइनस करें तो क्या रहना चाहिए सिक्स, नाइन थ्री थे ट्वेंटी सेवन नाइन में से थ्री गया सिक्स, इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है एक्स एक्स प्लस नाइन, इसमें से देखें क्या कॉमन आ रहा है कॉमन आ रहा है माइनस थ्री कॉमन एक्स प्लस नाइन, ये दो दफ़ा था एक्स प्लस नाइन और एक्स माइनस थ्री। अब लास्ट वाले जो मैं लेते हैं वो कौन सी है टू एक्स स्क्वायर माइनस एटीन, इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है टू कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो क्या फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब आप चेक कर लें जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी इसे मैंने फैक्टराइज किया, सेकंड वाली वैल्यू को फैक्टराइज किया और थर्ड वाली जो वैल्यू है इसे मैंने फैक्टराइज किया, चेक कर लें इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें देखें एक्स माइनस थ्री, इसमें देखें एक्स माइनस थ्री और इसमें भी देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है एक्स माइनस थ्री, तो एस सी एफ हमारे पास क्या होगा एक्स एक्स माइनस थ्री। ये था आपके पास एस सी एफ इसका सेकंड पार्ट, बाकी के जो इसके रिमेनिंग पार्ट है पार्ट नंबर थ्री और फोर ये आप लोग खुद कर लेना, जो पार्ट नंबर फाइव है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, तो आपकी जो डायरी होगी क्वेश्चन नंबर टू के जो रिमेनिंग पार्ट्स है पार्ट थ्री और फोर और क्वेश्चन नंबर वन का जो सेकंड पार्ट है ये भी आप लोगों ने आरपी करनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।